हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने साइंस के एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको क्लास 8 के चैप्टर 12 के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को मैंने चार लेक्चर्स में डिवाइडेड किया है। लेक्चर 1 में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, काउजेज ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर्स डेट अफेक्ट्स फ्रिक्शन के बारे में बताया जाएगा। वहीं दूसरी ओर लेक्चर 2 में आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि 3 टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, इन सब के बारे में बताया जाएगा। वहीं लेक्चर 3 में आपको इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया जाएगा। वहीं मेरे लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में आपको हाउ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन के बारे में बताया जाएगा। मेरे साथ इन चारों लेक्चर तक बने रहिएगा। मैं आपको डेट वाइज डेट जो है इन चारों लेक्चर पे वीडियोस बना के देता रहूंगा। डेट शीट आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको यूं ही जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है। जब आप देखते होंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से सटा के रखे जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स जो है वो फ्रिक्शन है। जब भी रिलेटिव मोशन होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की ओर मूव कर रहा है, वहीं दूसरा ऑब्जेक्ट जो है अगर वो खड़ा है या फिर वो पीछे की ओर मूव कर रहा है, तो ये रिलेटिव मोशन होता है। और जब भी रिलेटिव मोशन होगा किसी भी दो ऑब्जेक्ट के सरफेस का, तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। जैसे कि अगर आप अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं, तो वहीं आपके दोनों हाथ जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होती है। वहीं अगर आप अपने एक हाथ को स्टेबल रखें यानी स्थित रखें और दूसरे हाथ को आगे पीछे करें, तो वहां पर भी एक फोर्स जनरेट होगी, वो फोर्स फ्रिक्शन है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर फोर्स लगाया जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक डायरेक्शन होगा और उस डायरेक्शन के अपोजिट में जो फोर्स लगेगा हम उसको फ्रिक्शन कहते हैं। और आपने फिजिक्स के चैप्टर 1 फोर्स एंड प्रेशर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पे एक फोर्स लगाता है, जिसे आप फ्रिक्शन कह सकते हैं। काउजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रिजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। द काउजेज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर मॉलिकुलर एडहेशन, सरफेस रफनेस, प्लॉइंग इफेक्ट। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, तो फ्रिक्शन जो है वो एक मोशन के द्वारा लगता है, और वो मोशन रिलेटिव मोशन होता है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला मॉलिक्यूलर एडहेशन, दूसरा सरफेस रफनेस एंड तीसरा प्लॉइंग इफेक्ट। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे। एडहेशन क्या है, यानी मॉलिक्यूलर एडहेशन। Adhesion is a molecular force that arises when two materials are brought close to each other. अब adhesion क्या है? ये एक molecular force है। ये तब arise होता है जब दो material को या दो matter को आप closely लाते हो। यानी अगर आपका हाथ जो है वो matter है और आपका हाथ जो है वो किससे बना हुआ है? आपका हाथ जो है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो जब भी आप अपने दोनों हाथों को टच करते हो, तो पहले हाथ में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे हाथ के मॉलिक्यूल से टच होते हैं, और जैसे ही ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टच हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। और जब रिलेटिव मोशन होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट आगे मूव करे, दूसरा ऑब्जेक्ट पीछे मूव करे या सिर्फ खड़े भी रहे, तो उस समय जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन मॉलिक्यूलर एडहेशन के कारण भी लगता है।
दूसरा सरफेस रफनेस। अब सरफेस रफनेस क्या है? तो सरफेस रफनेस एक फैक्टर है जो कि फ्रिक्शन को बढ़ाता है या फिर घटाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी रफ सरफेस पे चल रहे हैं तो आप नहीं फिसलते, वहीं अगर आप कांच पे चलोगे वो ज्यादा रफ नहीं है तो आप स्लिप हो जाते हो, आप स्लिप हो जाते हो। तो उस समय आप ये गौर करते हो कि सरफेस रफनेस भी जो है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि एक सीरियस एब्रेशन काउज करता है। व्हेन वन और मोर ऑफ द मटेरियल्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट, मच ऑफ द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट इज काउज्ड बाय डिफॉर्मेशन और अ प्लॉइंग इफेक्ट। अब प्लॉइंग इफेक्ट या डिफॉर्मेशन क्या होता है? तो जब भी आप दो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स को आपस में कॉन्टैक्ट करते हो तो उनके मॉलिकुलर के बीच में जो फोर्स लगता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, अब उसको प्लॉइंग इफेक्ट कहते हो। ओके, और इसको दूसरी भाषा में डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि फ्रिक्शन क्या है तो आप क्या कहिएगा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है और फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है। फ्रिक्शन का काउज, तो फ्रिक्शन के काउजेज जो है वो तीन है, मॉलिक्यूलर एडेशन, सरफेस रफनेस एंड प्लॉइंग इफेक्ट। मॉलिक्यूलर एडेशन में क्या होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टच होते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और ऐसा तब होता है जब रिलेटिव मूवमेंट होता है तब। वहीं दूसरी तरफ सरफेस रफनेस, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितना रफ होगा वहां उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ओके, और प्लॉइंग इफेक्ट क्या है? तो जब दो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है या जो इफेक्ट काउज होता है उसको आप प्लॉइंग इफेक्ट कहते हो। फैक्टर्स दैट इफेक्ट फ्रिक्शन, तो तीन फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही आपको कह दिया, रफनेस, अगर सरफेस रफ रहेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन काउज होगा, सरफेस अगर सॉफ्ट है तो फ्रिक्शन काफी कम लगता है। The extent to which the force surface, the two surfaces press together. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आपने गौर किया होगा, जब भी आप अगर ऐसे इलाके में दौड़ते हो जहाँ ज्यादा पानी गिरा हुआ है या जहाँ की मिट्टी गीली है तो आपके पैर स्लिप होने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। वहीं अगर आप पैर दबा दबा के ज्यादा फोर्स लगा के चलो तो वहां पे आप जो है सो फ्रिक्शन के कारण आप गिरते नहीं हो। तो जब भी आप ध्यान दें, अगर इन सब चीजों पे आप ध्यान दें अगर, तो आप गौर फरमाते हैं कि आप गौर करते हैं कि अगर हम ज्यादा फोर्स काउज करें, अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पे तो फोर्स, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगता है अकॉर्डिंग टू फोर्स। ओके, अगर आप फोर्स कम लगाएंगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा, फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। और वहीं फ्रिक्शन जो है वो किसी सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसा है। तो अगर सरफेस अगर सॉफ्ट है तो कम फ्रिक्शन लगेगा, और अगर सरफेस ज़्यादा रफ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा फ्रिक्शन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी मेरा आज का लेक्चर वन, वो फिनिश हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए, आप एक बार देखिए, दो बार देखिए, चार बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, लेकिन आप जितने बार देखिएगा उतने ही अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक को अपने अगले लेक्चर में फिर से समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं बैक। तो बैक